नमस्ते कुमार जोशी रेस्टोरेंट में मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ मेरे एक नए वीडियो के साथ। तुला लग्न के लिए अगस्त महीना कैसा रहेगा, लिब्रा एसेंडेंट के लिए अगस्त कैसा रहेगा। देखिए एसेंडेंट शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, दो सेकंड दूंगा इस बात को समझाने के लिए कि आपकी लग्न कुंडली में पहले घर में सात लिखा होगा तो आपका तुला लग्न है तो ये वीडियो देखिएगा। आपके कुंडली में जहाँ चंद्र लिखा है वहाँ सात लिखा है तो तुला राशि या लग्न नहीं, आपका तुला लग्न हो तो देखिएगा। इस महीने के लिए मैंने हेडिंग लिखा है, देखिए वाहन योग। आपके पास अपना व्हीकल हो या ना हो, दूसरे के व्हीकल से आपको एंजॉय करने को मिलेगा। 11 अगस्त से लेके 5 सितंबर तक दूसरे के व्हीकल में आपको मजा करने मिलेगा। हो सकता है अगर फॉरेन के लिए बहुत देर से आप कोशिश कर रहे हैं, बहुत दिनों से, तो विदेश यात्रा का भी पॉसिबल है, आपकी संभावना है आपके चार्ट में। अगर आपका बर्थ चार्ट सपोर्ट करता हो, लग्नेश जन्म का 12 में हो, 9th में हो, 7th में हो, तो इंसान फॉरेन भी जाता हुआ दिखाई देता है, विदेश यात्रा की संभावना है। बर्थ प्लेस से दूर जाने का, लोनलीनेस में रहने का, अकेलेपन में रहने का और आध्यात्मिक तरक्की करने के लिए 11 अगस्त से 5 सितंबर तक का समय उत्तम है। और दूसरा है कि मैंने लिखा है कि बी स्मार्ट आफ्टर 11th अगस्त, 11 अगस्त से 5 सितंबर तक आपको स्मार्ट बनना है, नहीं तो आपको कोई ना कोई बहुत बड़ी मुसीबत में, ट्रैप में फंसाने की कोशिश करेगा। और पर्टिकुलरली देखिए कोई भी फीमेल हो उससे केयरफुल रहिएगा, बी स्मार्ट आफ्टर 11th अगस्त। 11th अगस्त के बाद आप अगर कोई व्हीकल के पीछे आपका अगर जो व्हीकल खरीदा वाहन योग भी बन रहा है, 12वें स्थान में शुक्र, फिर लग्न में शुक्र आ जाएगा, वो और लाभदायक रहेगा। हो सकता है कि देखिए अगर आप व्हीकल को प्लान कर रहे हैं तो आप अगस्त या सितंबर में व्हीकल खरीद लें, सितंबर तक में व्हीकल खरीदने की संपूर्ण संभावना बन रही है। 17 जुलाई से 10 अगस्त तक का समय, इस महीने में पहला जो वीक है आपका 10 अगस्त तक का समय, 10 अगस्त तक के समय में आपको आपके दोस्त की मदद मिलती रहेगी। आप आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में कोई ना कोई जो मेजर चेंजेस करना हो, गेट इट डन बिफोर 10th अगस्त। 11 अगस्त से 5 सितंबर तक चुपचाप रहिएगा, तमाशा ही देखने का है भीड़ में बैठकर, और अपने पैसे वापरने का आनंद लीजिएगा। हो सकता है अगर आपके फैमिली के साथ कहीं पिकनिक और टूर ट्रिप में जाते हो तो बेस्ट है, अपने पैसे वापरने का आनंद शुक्र आपको बार बार देगा। अभी देखिए मैंने टू बी केयरफुल लिखा है, सबसे पहले नजर करें टू बी केयरफुल पर, इस कैलेंडर पे इस डेट को मार्क कर दो कहीं, इन दिनों में ज्यादा रिस्क नहीं लीजिएगा। इट इज 1st अगस्त एंड 2nd अगस्त, 17, 18 एंड 19 अगस्त एंड 23rd एंड 24th अगस्त, ये दिनों को मार्क कर दीजिएगा। मैं डेट वाइज प्रेडिक्शन करता हूँ तो थोड़ा और डिटेल में जाता हूँ। जॉब के लिए शनि सूर्य का अपोजिशन, थोड़ा स्ट्रेसफुल सिचुएशन चल रहा है, 16 जुलाई से 16 अगस्त तक आपके कर्मस्थान पर स्ट्रेसफुल सिचुएशन जरूर रहेगा, लेकिन 11 अगस्त के पहले आपके फेवर में ही रहेगा। 10 अगस्त के बाद, 10 अगस्त के बाद जो फेवर आपका उसका धीरे धीरे कम होने लग जाएगा 11 अगस्त से। 11 अगस्त से केयरफुल रहिएगा, कोई भी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में आपका अभी मेजर चेंजेस करेंगे आप गुरु पंचम में, आपके पोर्टफोलियो लाभ स्थान को देख रहे हैं। 17 अगस्त से 17 सितंबर जो अगस्त का जो दूसरा जो वीक है, बहुत बड़े बड़े डिसीजन आपको पेंडिंग रखने को मैं बोल रहा हूँ। 11 अगस्त से 5 सितंबर तक का डिसीजन पेंडिंग रखिएगा। बिजनेस के लिए आई सेड वेट टिल 30th सितंबर, 13 सितंबर तक गुरु आपके संतान स्थान में है, कुछ ना कुछ संतान का, आपके बच्चों का कुछ ना कुछ अच्छा करेगा, कुछ ना कुछ आप लर्न करेंगे, सीखने के लिए बेस्ट टाइम से आप गुजर रहे हैं अभी। और 20 नवंबर तक, देखिए सितंबर के बाद 13 सितंबर से 20 नवंबर तक का जो समय है वो आपके काम धंधे के लिए फिर से एक अच्छा समय आएगा, 13 सितंबर से 20 नवंबर तक का 2021 का। हेल्थ के लिए मैंने इसके लिए लिखा है केयरफुल, क्योंकि शुक्र 12वें में गया है, अपनी मौज मस्ती को कंट्रोल में रखिएगा। शुक्र जैसा ग्रह 12वें में गया तो दूसरों के पैसे से भी मजा करवाता है, बट देखिए कोई ना कोई वजह से आपको हॉस्पिटल मुलाकात न लेनी पड़े। पर्टिकुलरली 11 अगस्त से 5 सितंबर तक अगर आपको कोई हॉस्पिटल की मुलाकात न लेनी पड़े तो अच्छा है, बहुत बड़ा खर्च ना हो तो अच्छा है, कोई रॉन्ग डिसीजन आपके समझ में आएगा, आपने कोई रॉन्ग डिसीजन ले लिया सो बेटर है, किसी की जामीन गारंटी नहीं लीजिएगा। समझो कहीं भीड़ होती है ऐसे टाइम पे, लग्न ही जब 12 में जाता है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई हमको बेवकूफ बनाता है। एक 12वां स्थान है जो ईश्वर का घर है, हमको बेवकूफ बनाने वाला आदमी का जैसे पैसा ईश्वर के घर में जमा हो गया, किसी भी तरीके से लोग हिसाब स्क्वायर अप करते हैं ऐसे टाइम में, और वो टाइम होगा आपका 11 अगस्त से 5 सितंबर का टाइम में, केयरफुल रहिएगा। स्टूडेंट के लिए मैं कोई प्रॉब्लम नहीं मानता, गुरु जैसा ग्रह आपके संतान स्थान में है, बुद्धि स्थान में, एजुकेशन हाउस में, यानी कि कुछ ना कुछ नया लर्न करने के लिए बेस्ट टाइम चल रहा है। वो भी देखिए भले वक्री है गुरु बहुत लंबे टाइम तक, अभी देखिए 20 जून से 17 अक्टूबर तक गुरु वक्री रहेगा,
बट है ये आपके संतान स्थान में, बुद्धि स्थान में, तो स्टूडेंट के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैरिज के लिए यस, ये एक अच्छा समय बीत रहा है क्योंकि गुरु की दृष्टि आपके लग्न के ऊपर है, तो मैरिज के लिए भी मैं इसको मानता हूँ कि एक अच्छे समय से गुजर रहे हैं आप। और लव लव के लिए, प्यार करने वाले लोगों के लिए देखिए मैं ऐसा मानता हूँ, आई सेड यस, उसमें भी 14 अगस्त से 16 अगस्त बेस्ट है। आपकी अगर कोई गर्लफ्रेंड है या वाइफ है, मैरिड है तो वाइफ है, उसको आप गिफ्ट कर सकते हो 11 अगस्त से 5 सितंबर तक का जो समय है, आपको आपके आपके मैरिड लाइफ के स्पाउस के लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, देखिए जैसे बहुत टाइम से अगर आप एयर कंडीशन घर में प्लान कर रहे हैं या व्हीकल प्लान कर रहे हैं या कोई और फैशनेबल चीज को घर में लाने का, जैसे रेफ्रिजरेटर है, फ्रिज है, एयर कंडीशन है, कुछ भी फीमेल फैशनेबल चीज को आप लाने की कोशिश करेंगे। और इस महीने में मैंने बोला ऐसा 5 सितंबर के पहले और 11 सितंबर के बाद वो कोई फैशनेबल चीज के पीछे पैसे खर्च होंगे। यस, प्यार करने वाले लोगों के लिए 14 से 16 अगस्त बेस्ट। डेट वाइज प्रेडिक्शन करने के पहले मैं आपको थोड़ा सा ये गज केसरी योग के बारे में बताता हूँ। देखिए गज केसरी योग इस महीने में 2 अगस्त को 1 बजे होगा, 9 अगस्त शाम को 6 बजे, 16 अगस्त 5 बजे, 22 अगस्त को 13 बजे मतलब दोपहर को 1 बजे और 29 अगस्त को दोपहर को 2 बजे। ये टाइम है जब मनी फ्लो अच्छा होता है, तुला है तो आप बिजनेस की राशि दूसरों के फायदे में अपना फायदा देखते हैं। तराजू है, तराजू मतलब बिजनेस का ही लाइन जो निशान है आपका, तो तराजू है निशान आपका, जल्दी आप गर्म भी हो जाते हैं। जैसे एक तराजू में किसी ने पत्थर रख दिया तो आप तुरंत रिएक्ट भी करते हैं, तो रिएक्ट करना, बिजनेस की सोच करना, ये सब तुला लग्न। तुला लग्न कभी गरीब नहीं होता, जनरली देखिए वृषभ तुला ये बिजनेस का लग्न है, तुला तो बिजनेस है, वहाँ मार्केट में जा पैसा कहाँ है तो जा बिजनेस है। तो तुला लग्न वाले लोगों के पास जनरली सिवाय के 6वें स्थान में गुरु है, चंद्र से 6वां गुरु है, शकट योग है कुंडली में, राहु चंद्र का ग्रहण योग है, ऐसा कोई नेगेटिव योग ज्यादा है तो बात अलग है। बाकी लिब्रा भी अमीर होता है, लिब्रा से ज्यादा अमीर टोरस होता है, वृषभ और ज्यादा अमीर होता है। अब डेट वाइज प्रेडिक्शन देखिए, अगर मैं इसके करने के पहले इसका आपको बता रहा हूँ गज केसरी योग का, इस दिनों में मार्केट में मनी फ्लो अच्छा होता है। अगर आप बिजनेस मैन है तो इस तारीख में 2 तारीख 9 तारीख 16 22 और 29 इस दिन में मनी फ्लो मार्केट में एक अच्छा होता है। इस दिन में अगर आप पैसा मांगते हो तो आपको रोलिंग करने के लिए पैसा कब मांगा जाए ये टाइम अच्छा टाइम, तो ये टाइम है उसका। अब डेट वाइज प्रेडिक्शन में देखिए 31/7 से 2 अगस्त तक का समय रॉन्ग डिसीजन का टाइम है, सो यू टू वेट एंड वॉच, कहीं एग्रेसिव नहीं हो जाइएगा। 31 जुलाई से 2 अगस्त आपके लिए एक्सपेंसिव है, आपको होशियार रहना है 31 जुलाई से 2 अगस्त में। एकदम आपको दिखाई देगा कि कोई ना कोई मुसीबत, कोई ना कोई झगड़ा आपके सर पे आ गया और आप वो झगड़े में इन्वॉल्व होके अपना खुद का नुकसान करिए। तो 31 जुलाई से 2 अगस्त है, इसमें केयरफुल रहिएगा डिसीजन से, मतलब डिसीजन को पेंडिंग रखिएगा पूरा महीने। देखिए 11 अगस्त से 5 सितंबर आपको लग्नेश 12 में डिसीजन को स्थगित करने के लिए बोला है। 3, 4 और 5 अगस्त आपके सितारे बहुत अच्छे फेवर करेंगे आपको, यानी कि हो सकता है आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में, मैंने बोला ऐसा, आप कोई ना कोई पॉजिटिव चेंज करेंगे 10 अगस्त के पहले, और ये वो टाइम है 3 अगस्त से 5 अगस्त आपके बहुत अच्छे काम होने वाले हैं, काम धंधे में भी आपके लिए लाभदायक रहेगा। देखिए 31/7 से 2 अगस्त मतलब ये मैंने बेंटेस में बोला है, महीने का एकदम मुश्किल भरा समय, तो यू टू बी वेरी केयरफुल, कहीं हॉस्पिटल की मुलाकात ना हो तो भी भगवान की कृपा है, और खर्च होगा कोई फैशनेबल चीज के पीछे भी खर्च हो सकता है, या मैंने जो बोला आपको कि इस महीने में आप 11 अगस्त से 5 सितंबर में कोई ना कोई खर्च करने वाले, उसका हो सकता है कि छोटा सा स्मॉल अमाउंट इस दिन आप ट्रांसफर कर दो 31/7 से 2 अगस्त में। 3 अगस्त से 5 अगस्त आपके काम धंधे के लिए बेस्ट रहेगा। 6 अगस्त से 8 अगस्त आपके हाथ में बहुत पैसा आना चाहिए, 6, 7, 8 अगस्त आपका पर्स भरा रहेगा। This is the day you will enjoy with your family. इस दिन में आप food, family और finance तीनों को enjoy कर पाएंगे। 6, 7 और 8 अगस्त को किसी से पैसा मांगना हो तो इन दिनों में आप मांग सकते हो। 6, 7, 8 अगस्त आप बहुत आनंद में होंगे। 9 और 10 अगस्त ये आपके भाई बहन के लिए टाइम है, ब्रदर और सिस्टर के लिए। ज्यादातर मैं तुला लग्न का देखिए तृतीय और षष्ठेश एक ही ग्रह, ऐसा ही मेष लग्न के लिए, मेष लग्न और तुला लग्न वालों के लिए, आप लोगों के लिए भाई बहन ज्यादातर दुश्मन बन के खड़े रहते हैं। अब बहुत रेयर केस में ऐसा नहीं होता, सिवाय कि आपका तृतीयेश बहुत अच्छा है, षष्ठेश बहुत अच्छा है, अदरवाइज तृतीयेश और षष्ठेश एक ही ग्रह, भाई बहन और पड़ोसी की वजह से आप तकलीफ में आते हैं। ये वो दिन है 9 और 10, आप आपके भाई के साथ का रिलेशंस को
भाई या बहन के साथ का रिलेशंस को या पड़ोसी के साथ का रिलेशंस को इंप्रूव कर पाएंगे। 11, 12 और 13, दिस इज द डे यू विल फील अ हैप्पीनेस एट योर होम। हो सकता है व्हीकल लेके आओ, कार लेके आओ, हो सकता है घर में कोई फैशनेबल चीज लेके आओ। इसकी वजह से 11, 12 और 13 तारीख को आपके घर में बहुत खुशियों का वातावरण होगा। यू विल बी हैप्पी विथ व्हाट यू हैव, आपके पास क्या है उससे आप आनंदित होंगे। ये दिन बड़ा अच्छा है 11, 12 और 13 का। 14, 15 और 16 अगस्त है, ये आपके चाइल्ड के लिए अच्छा है। देखिए आपके चाइल्ड हाउस में ही गुरु आया, 12 साल के बाद गुरु स्थान में आता है। हर 12 साल से गुरु स्थान में आता है, 12 साल के बाद हमारे संतान को एक तरह का ये हेल्प करता रहता है गुरु। हर देखिए अभी जैसे मिथुन में जाएगा फिर से संतान सन को देखेगा, सिंह में जाएगा फिर संतान सन को देखेगा। लाभदायक तो हर 3-4 साल से होता रहता है, बट 12 साल से कहीं ना कहीं बहुत अच्छा आपके संतान के जीवन में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट पर ये आया हुआ गुरु है। और ये 14, 15 और 16 अगस्त, दिस इज द टाइम यू हैव टू बी स्पेयर विथ योर चिल्ड्रन। आप अगर मैरिड हैं, आपके बच्चे हैं, तो जरूर बच्चे के साथ टाइम स्पेयर करिएगा। आप अनमैरिड हैं तो आप जिससे प्यार करते हैं उनके साथ स्पेयर करिएगा ये टाइम। और अगर आप अनमैरिड भी नहीं है, स्टूडेंट है तो ये दिन बहुत अच्छा रहेगा एजुकेशन के लिए। देखिए 14, 15, 16 ये बेस्ट रहेगा, 14-16 अगस्त विल बी बेस्ट फॉर द स्टूडेंट। स्टूडेंट के लिए 14 से 16 अगस्त बेस्ट है। 17, 18, 19 अगस्त मैंने बैक बेस में लिखा है, ये एक्सपेंसिव है, आप झगड़ पड़ेंगे, आपके हेल्थ के लिए केयरफुल रहिएगा। 17, 18 और 19 नॉट एट ऑल ए गुड टाइम। अभी देखिए 12वें स्थान से शुक्र भी जा रहा है इस समय के दौरान, हॉस्पिटल जाने का नौबत ना आ जाए, केयरफुल रहिएगा कहीं भी। देखिए अभी जैसे ठंडा वंडा खाने से प्रॉब्लम होता है, सर्दी हो जाती है, खांसी हो जाती है, जुकाम हो जाता है, तो उसके लिए केयरफुल रहिएगा। 17, 18, 19 तारीख आपको रिस्क नहीं लेना है, आपको केयरफुल रहना है। नौकरी में धंधा का नौकरी में अगर किसी बॉस के साथ डिस्प्यूट हो सकता है, बिजनेस कर सकते हो करते हो तो वहां पैसे की शॉर्टेज भी फील करेंगे, कंपटीटर को विन करते हुए देखेंगे, आपके आपके ऊपर सक्सेस हो जाते हुए आप देखेंगे। 17, 18, 19 बहुत अच्छा दिन नहीं मिलेगा। 20, 21 और 22 कोई टेम्पररी चांस मिलेगा आपके। 20, 21, 22 जो है ये आपके मैरिड लाइफ के स्पाउस के साथ एंजॉय करने का टाइम है, मतलब आपके पति या पत्नी के साथ एंजॉय करने का टाइम है। टेम्पररी बहुत बड़ा चांस आपके हाथ में आएगा। 20 से 22 आपके पति पत्नी के साथ आनंद करिएगा, ये दिन आपके लिए अच्छा है। 20, 21, 22, 23 और 24 ये थोड़ा दुखदायी समय है। 23 और 24 अपमानजनक सिचुएशन रहेगा, हो सकता है आपके पति या पत्नी के परिवार के साथ का कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन आएगा, आपको दुख होगा, ऐसी घटना भी आकार लेगी। ये दिन थोड़ा स्ट्रेसफुल रहेगा 23 और 24 अगस्त। 25, 26 और 27 अगस्त आप आध्यात्मिक हुए होंगे, क्योंकि देखिए ये जो पूरा महीना है 11 अगस्त से लेकर 5 सितंबर तक, आपको बहुत बार लगेगा मैं सब छोड़ के भाग जाऊं, चले जाओ कहीं, हार गया मैं, टूट गया अपने आप के लिए। दिस इज द मंथ यू टू कीप योरसेल्फ लोनली, आप अकेले रहना चाहेंगे इस टाइम में। और ये टाइम में 25 से 27 आप आध्यात्मिक थिंकिंग में आ जाएंगे कि काफी, देखिए 25 से 2 सितंबर तक काफी ग्रोथ, थोड़ा काम धंधे में भी थोड़ा रिलीफ रहेगा। 25 अगस्त से 27 अगस्त आपके अगर जो उम्र बड़ी है तो ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ एंजॉय करने का टाइम है, अगर उम्र छोटी है तो ये कोई ना कोई आपको ट्रैवलिंग दे सकता है। दिस इज द डे यू विल स्पेंड विथ योर रिलीजियस नेचर, अपने धार्मिक नेचर के साथ रहेंगे आप। 28, 29 और 30 अगस्त आपके लिए अच्छा रहेगा, आपके काम को अप्रिसिएशन मिलेगा, आप अगर बिजनेसमैन है तो बहुत अच्छी तरह से आप ये दिनों में सौदे कर पाएंगे, अपने काम कर पाएंगे। 28, 29, 30 अगस्त को दिस विल बी द बेस्ट डे, नो प्रॉब्लम, इस महीने का सबसे बढ़िया टाइम है 28, 29 और 30, क्योंकि शुक्र भी अभी आपका 5 सितंबर में बदलने की कगार पे, ये दिन आपके काम धंधे के लिए अच्छा रहेगा। 31 अगस्त से 2 सितंबर, दिस इज द टाइम यू हैव टू बी स्पेयर विथ योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ ये स्पेयर करिएगा। 31 अगस्त से 2 सितंबर आपके शेयर बाजार से रिलेटेड काम हो तो ये आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में कहीं ना कहीं पॉजिटिव चेंज करने का समय है। 31 अगस्त से 2 सितंबर में आपको कोई ना कोई आर्थिक लाभ भी होगा, फाइनेंशियल बहुत बड़ा बेनिफिट भी मिलेगा, ये दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम है। देखिए अगर आप शेयर बाजार से रिलेटेड इंसान है तो देखिए मैं आपको सेकेंड हाउस में आपके वृश्चिक राशि, अब वृश्चिक राशि सेकेंड हाउस में होने का मतलब है पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री से फायदा होता है, जो स्टिकी चीज होती है, चिपक जाती है, ऐसी चीजों से फायदा होता है,
मतलब ऐसे शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। अभी थोड़ा रुक जाइएगा जब तक गुरु भले फिफ्थ हाउस में है, बट गुरु का ज्यादा लाभ नहीं है। देखिए नवंबर के पहले आपके घर लेने के संपूर्ण योग बन रहे हैं। नवंबर 2021 से अप्रैल 2022 में आपका शेयर बाजार की तरफ कॉन्सेंट्रेशन रुक बढ़ेगा। नवंबर 2021 से अप्रैल 2022 में आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में आप शेयर बाजार को जोड़ने की कोशिश करेंगे। अभी इस महीने में 21 तारीख को रक्षाबंधन है। मैं मेरे अपने जो फीमेल व्यूअर है उनको रक्षाबंधन की शुभकामना देता हूँ इस दिन के लिए। 21 अगस्त के दिन रक्षाबंधन है। और देखिए 9 अगस्त से नॉर्थ में होता है, 9 अगस्त से श्रावण महीने का प्रारंभ होगा। और अगर आप मंदिरों से जुड़े नहीं हैं, ज्यादातर मैं वृषभ तुला और मीन को देखता हूँ, मंदिरों से कम जुड़े होते हैं ये लोग। जहां भी जाएंगे दे विल एंजॉय देयर नॉलेज। विद अ रिलीजियस है तो भी ये इनमें आनंद लाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अगर जो तुला लग्न है, वृषभ लग्न है, अगर आध्यात्म में जाए तो वहां नाच गाना संगीत इसको जोड़ने की कोशिश, भजन जैसी चीज को जोड़ने की कोशिश करेंगे। क्योंकि देखिए ओशो के आश्रम में भी डांस के साथ, ओशो वृषभ लग्न थे, शुक्र का लग्न है, तुला लग्न भी शुक्र का है, तो ये लोग मौज मस्ती के साथ आध्यात्म को जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो ये आप अगर जो आध्यात्म से जुड़ने की, इस महीने में आप आध्यात्म से जुड़ेंगे आपको कोई रोक नहीं सकता इस महीने में आध्यात्म से जुड़ते हुए। अगर वो भी पर्टिकुलरली आपकी उम्र अगर 25-30 से ज्यादा है, 30 से ज्यादा है, 30 से कम, तो आप आध्यात्म से जुड़ते हुए कोई नहीं रोक सकता आपको। 11 अगस्त से 5 सितंबर आप आध्यात्म से जुड़ेंगे। 9 अगस्त से आप आध्यात्म से जुड़ना शुरू करो, क्योंकि 9 अगस्त से ऐसे श्रावण महीने का प्रारंभ हो रहा है, तो आप उसका एडवांटेज ले सकते हैं। शिव उपासना करते रहिए, आपके कर्मस्थान में कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। शंकर भगवान को जलाभिषेक करो। 5 और 20 अगस्त को प्रदोष है। प्रदोष के दिन अगर जो आपके कर्मस्थान में, अगर आप तुला लग्न में है और आपके काम धंधे में कहीं ना कहीं सफर कर रहे हैं प्रॉब्लम, तो 5 अगस्त से 20 अगस्त में आपके काम धंधे के लिए शिव उपासना करना लाभदायक होता है। शिव पंचाक्षर है, बिल्वाष्टकम है, लिंगाष्टकम है, रुद्राष्टकम है, शिव तांडव स्तोत्र, ये सोमवार को सुनिए, हो सके तो सुनिए, हो सके तो पढ़िए, और शिव मंदिर में जाके जलाभिषेक करिए। 12 और 25 अगस्त को चतुर्थी है। देखिए विनायक चतुर्थी है 12 अगस्त को, 25 अगस्त को वध पक्ष की चतुर्थी। वध पक्ष की चतुर्थी है, संकष्टी बोलते हैं इसको महाराष्ट्र में। ये गणेश उपासना से अपने आप को जोड़ सकते हो अगर आपके वैवाहिक जीवन में कुछ प्रॉब्लम है। सप्तमेश आपका मंगल है, यानी कि मैरिड लाइफ का स्पाउस आपका, आप जैसा रोमांटिक नहीं होता। देखिए शुक्र वाले ज्यादातर मैं देखता हूँ बहुत मौजी हैप्पी होते हैं, इनकी आंखें बहुत हस्ती भी दिखाई देती है। शुक्र 12वें में इस महीने में एक सजेशन मैंने दिया है आपको, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, बी स्मार्ट आफ्टर 11th अगस्त। 11 अगस्त के बाद बेवकूफ नहीं बनिएगा। 11 अगस्त से 5 सितंबर में आपके जो प्रिंसिपल है उसी पर स्टिक रहिएगा। 11 अगस्त से 5 सितंबर तक में आपके डिसीजन को बार बार चेंज करने की कोशिश भी नहीं करिएगा, ये आपके लिए नुकसानकारक हो सकता है। 9, 10, 11 अगस्त को आपका लाभस्थान का स्वामी और कर्क राशि चंद्र और सूर्य का परिवर्तन, चंद्र सूर्य का, यानी कि कर्क राशि और सिंह राशि में चंद्र सूर्य का परिवर्तन है। कोई भी दोस्त की मदद से आपके काम धंधे में मददगार साबित हो सकता है, आपका कोई फ्रेंड्स का बेनिफिट मिलेगा। दोस्त वांट्स टू अंडरस्टैंड, ये परिवर्तन राजयोग आपके फायदे का। दूसरा 4, 5, 6 अगस्त को देखिए भाग्येश और कर्मेश का परिवर्तन, ये भी बेस्ट दिन साबित होगा। 4, 5, 6 अगस्त को आपके काम धंधे के लिए मैं ऐसा मानता हूँ 10 अगस्त तक कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता इस महीने। 10 अगस्त तक, 11 अगस्त से 5 सितंबर तक आपको केयरफुल रहना है। 11 अगस्त से 5 सितंबर तक केयरफुल रहिएगा टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज। देखिए मैं इस महीने में आपको जैसे ही 9 अगस्त से श्रावण महीना प्रारंभ होगा आप आध्यात्म की तरफ जाने की कोशिश करो। और बहुत सारा चीज देखिए रीपे होगा इस महीने में, क्योंकि आपका लग्नेश 12 में गया है, 12वां स्थान ईश्वर का घर, बहुत लोनलीनेस रहने का आपका मन होने लग जाएगा। विदेश यात्रा के लिए जो जातक जो लोग कोशिश कर रहे हैं लिब्रा एसेंडेंट के, उनको विदेश यात्रा का मौका भी मिलेगा इस महीने में। तो ये अबाउट आपका देखिए ये दोनों परिवर्तन जो एस्ट्रोलॉजी जो लोग सीखते हैं उनके लिए 4, 5, 6 अगस्त का कर्मेश और भाग्येश का परिवर्तन, मतलब ये बहुत आपको आपकी प्रतिष्ठा को बढ़ने वाली कोई घटना है आकार लेगी 4, 5, 6 को। 9, 10, 11 को आपके
कोई मित्र की आपके काम धंधे में मदद भी रहेगी। अब 11 तारीख से आपको स्मार्ट बनने की जरूरत शुरू हो जाएगी। और 57 साल में गुरु आया है, आई सेड आफ्टर 12 इयर्स ये गुरु आया है। ये नवंबर 2021 से अप्रैल 2022 तक कुछ ना कुछ आपका संतान का भक्त कुछ ना कुछ बहुत पॉजिटिव करके जाएगा। ये है लेखा जोखा इस महीने का आपका। जो लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक मार्क कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।